ये सॉल्यूशन दो बूंद देता हूं और मैंने यहां पे मिला दिया। दादा खुद बताएंगे कौन सा कलर है, कौन सा कलर है, मेहंदी वाला है। फिलहाल ये येलोइश कलर में आएगा, ठीक है। हल्का सा इसको ड्राई होने देते हैं, क्योंकि ड्राई होगा तो एग्जैक्ट कलर समझ में आएगा। ड्राई होने के बाद ये पता चलेगा कि ये येलोइश में है, येलो कलर मतलब 5-6 पीएच के बीच में, यानी कि इनके बॉडी पीएच अभी एसिडिक मोड में। क्लियर। अब ये अगर धीरे धीरे देखिए सूखता जाएगा तो रेड होता जाएगा, साइड साइड से रेड होता जाएगा, यानी कि ये हाईली एसिडिक बॉडी हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सुखाने की कोशिश करते हैं। फिर भी इनका बॉडी ठीक ठाक है, बैलेंस करके रखते हैं। रेड तो नहीं हुआ, रेड एटलीस्ट नहीं हुआ। जितना पैसा लिया है सब खाते हैं, खाते हैं तो बॉडी तो ठीक रहेगा, ठीक करते हैं। तो फिर भी इनका बॉडी जो है ना, इधर उनके हाथ दिखाना होगा, इनका बॉडी का जो पीएच है ये फिर भी एसिडिक है, लेकिन बहुत बढ़िया है बाकी लोगों से। मैंने अब तक जितना कोशिश किया उसमें देख रहा हूं कि इनका मैं रेडिश कलर नहीं पकड़ा, नहीं तो ये रेड हो जाता था। अब यही मैं हीलिंग स्प्रे मैं अभी इनके स्किन पे स्प्रे करता हूँ, ये इमीडिएटली इसको अल्कलाइन में कन्वर्ट करेगा। जिम में देने से भी हो सकता है, मुंह में तो लिया हूँ ना, जिम में देने से आएगा जी, हमारा एक अल्कलाइन है। हाँ, आ सकता है। तो मैं इनके बॉडी में ये इनके बॉडी को ये इमीडिएटली अल्कलाइन में कन्वर्ट करेगा। अगर मैं इसको पोच भी देता हूँ तो इसको 7 पीएच पे छोड़ देगा, ग्रीन करके छोड़ देगा। अभी देखिए स्किन का कलर का क्या रखती है, साथ में आया था 7 में। ये जो है इनके बॉडी को न्यूट्रल करके छोड़ दिया। एक्चुअली हमारे बॉडी को न्यूट्रल करके रखूंगा तो ही ये हमारे बॉडी का पीएच एंड मेरे ब्लड का पीएच को अल्कलाइन रखेगा। अब मैंने इनको अभी स्प्रे किया, यहाँ पे स्प्रे करके अल्कलाइन किया इमीडिएटली। अगर गलती से वो पोच भी दिया, हटा भी दिया, तो उसका असर को ये खत्म नहीं होने देता है इनके बॉडी में। अभी ये हाथ में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम था तो इनके बॉडी में न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो गए। अब इनके इस हाथ में शाम होते होते ही बहुत अच्छा रिलैक्स फील करेंगे, एक अलग एनर्जी फील करेंगे। तो ये इस तरह हमारे बॉडी में काम करता है, ये उसको कंप्लीटली उसके एक्टिवेशन मोड में लेके चला जाता है, जिससे हमारा बॉडी अल्कलाइन रह सके। और अल्कलाइन एनवायरनमेंट में किसी भी तरह के डिजीज का एक्टिवेशन नहीं होता है।